एवरीवन, वेलकम टू टेली टॉकीज। शुरू हो चुके हैं एकता कपूर के बुरे दिन। पाई पाई को मोहताज होती जा रही है एकता कपूर, या यूं कहें धीरे धीरे कर्ज में डूबती जा रही है जितेंद्र की लाडली एकता कपूर। कौन सा झटका लगा है एकता कपूर को और आखिर क्यों हो रहा है एकता के साथ ऐसा, चलिए हम आपको टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीविजन इंडस्ट्री की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, टेलीविजन के इतिहास की क्वीन मानी जाती है एकता कपूर, जो कि एक के बाद एक सुपर डुपर हिट्स शोज टीवी इंडस्ट्री को देती रही। लेकिन अब एकता कपूर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एकता कपूर एक सा ही घिसा पिटा कंटेंट दर्शकों के सामने कई सालों से परोसती जा रही हैं, जिसको देखकर अब दर्शक बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हाल ही में एकता कपूर के नागिन सीरियल के साथ जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। नागिन 4 को एकता कपूर ने बंद करा, जिसके बाद नागिन 5 को लाई, लेकिन फिर जल्दबाजी में नागिन 5 को भी गिरती टीआरपी की वजह से बंद करना पड़ा, जिसके बाद एकता कपूर नागिन का स्पिन ऑफ लेकर आई, कुछ तो है नागिन एक नए रंग में। लेकिन वो शो भी एक महीने के अंदर ऑफ एयर कर दिया गया और अब एकता कपूर अपने जी टीवी पर आने वाले शो भ्रम राक्षस को भी बंद करने जा रही हैं, क्योंकि टीआरपी नहीं बन पा रही है। हम आपको बता दें कि इन शोज की वजह से एकता कपूर काफी ज्यादा कर्जे में भी डूब चुकी हैं। एकता कपूर अपने टीवी शोज पर कम ध्यान देकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकता को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खबरों की माने तो एकता कपूर को कलर्स टीवी को काफी सारे पैसे देने हैं। एकता कपूर धीरे धीरे कर्जे में डूब रही हैं, जिसकी वजह है कि एकता कपूर के शोज की ना तो टीआरपी आ रही है और ना ही दर्शक उनके शोज से अब अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। एकता कपूर के हर शो में घूम फिर कर विलन सिर्फ और सिर्फ सास ही होती है और अब सास बहू के ड्रामे से दर्शक पूरी तरह से ऊब चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या एकता कपूर पर्दे पर फिर से ढंग की वापसी कर पाएंगी या फिर एकता कपूर अपने शोज को पूरी तरह से बंद कर बैठ जाएंगी चुपचाप। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।